वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद पिंकी अली खान। और अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट ही किया था कि हैदर सो रहा था, मैं व्लॉग शूट करती हूँ और मेरा बेटा उठ भी गया। दे तू कम मामा पास, मामा की भी तू कम। तो आज हैदर जल्दी उठ गया था, तो मैंने इसको शावर दिलवाया, खाना खिलाया और इसको मैंने जल्दी सुला दिया था और फिर मैंने खुद शावर लिया। और अभी मैं इस उम्मीद में थी कि मेरी जान छोटी सी सोई रहेगी और मैं व्लॉग शूट कर लूँगी, लेकिन मेरा बच्चा उठ गया। वेस काका, काका शी काका। तो मैंने कुछ दिन पहले एक ऑर्डर किया था खासो आम वालों से और मेरा पार्सल मुझे अभी रिसीव हो चुका है। तो मैंने सोचा मैं व्लॉग में आप लोगों को दिखा भी दूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है और मैं टेस्ट का रिव्यू भी दे दूँ कि मुझे कैसा टेस्ट लगा है। सो मैंने ये ऑर्डर किया था जो कि ड्राइड फ्रूट्स हैं, ड्राइड फ्रूटी बाइट्स हैं। तो मैंने उसमें पीच किया था, आड़ू, फालसा और ये ड्राइड मैंगो चिली है, ड्राइड गावा है और ये एक इनका है मैंगो स्पाइसी स्लाइसेस। तो मैंने सोचा आप लोगों को मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी इसके बारे में। तो अभी तो दैदू उठे तो मैं अभी पहले दैदू को देखूंगी, इसका खाना वगैरह देखूंगी, फिर मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगी, इसको टेस्ट करूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरा पूरा व्लॉग देखना होगा। और खैर हैदर के लिए एक सरप्राइज़ है, वो भी हैदर को पता चलेगा। हैदर को ऑफकोर्स छोटा है से तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इसके लिए सरप्राइज़ है तो वो आपको व्लॉग में भी देखने को मिलेगा। तो अभी दैदू खाने लगा है अपने सॉसेजेस जो कि अभी मैं फ्राई करके इसको खिलाऊंगी। तो मैंने अपने बालों को थोड़ा बहुत टाई कर लिया क्योंकि हैदर बार बार पकड़ रहे हैं, उसे मेरे बालों से बहुत मोहब्बत है। और अभी हम रूम में आए हैं और मैं हैदर को लेटाऊंगी और हैदर का टीवी ऑन करूँगी ताकि मैं हैदर को अच्छे से खिलाऊँ और टीवी वॉच करवाऊँ। क्योंकि अगर हैदर को मैं टीवी नहीं लगा के दूँगी तो हैदर मेरा फ़ोन नहीं छोड़ेगा क्योंकि खाते हुए वो कुछ ना कुछ वॉच करता है। और ये हैदर की आदत मुझ पे गई है, मुझे बचपन से कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो मैं खा सकती हूँ। मतलब मैं ऐसे नहीं खा सकती, मतलब कि खाना नॉर्मली खा रहे हैं बैठ के, बस बोर हो जाओ और खाओ, नहीं। कोई कन्वर्सेशन भी चल रही हो मुझसे फिर भी नहीं खाया जाता, मुझे बस होता है मैं आराम से रिलैक्स होके कुछ लगा के अपने मज़े से खाऊं खाना। और दैदू की बहुत सारी आदतें मुझ पे गई हैं, लेकिन सोना तो बिल्कुल इसके बाबा रियाज पे इसका गया। सेम मैं इंशाल्लाह सून कभी व्लॉग में लगाऊंगी, सेम ही मेरे बाबा जैसे सोता है, सेम। सारी रात मैं इसको सीधा करती हूँ, सारी रात ही वैसे ही सोता है जैसे मेरे बाबा सोते थे। और लिटरली मैं कहती हूँ मेरे बाबा तो बहुत भोले होंगे लेकिन ये बहुत शरारती है, बहुत शरारती। मैं सोचती हूँ कभी कभी बैठ के कि इसकी काफ़ी हरकतें मेरे बाबा पे मिलती हैं, लेकिन ना मेरे बाबा बहुत शरीफ थे, ये शरीफ बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा जीना हराम करके रखता है, अभी भी ये देख सकते हैं आप लोग, पूरे बेड की तबाही उतार देता है लिटरली। मेरी हेल्पर बेचारी सारा काम जब करके जाती है मैं रात को 3 दफ़ा दोबारा सेट करती हूँ। और अब तो कसम से मैं कहती हूँ मैं कोई रखूँ ही ना, या फिर मैं रखूँ तो सारे टाइम के लिए रखूँ क्योंकि मैं पागल हो रही हूँ। अभी आप इस लड़की की हंसियाँ देख सकते हैं, ये इसके चेहरे से रौनक, इसकी चेहरे की रौनक और खुशी आप लोग देख सकते हैं। आओ आओ, फूड लेके आए आपका, जल्दी आओ, चलो लेट्स गो। मेरे बेटे की 4 वर्ड्स हैं जो कि सारा दिन हम बोलते रहते हैं, दिमाग खा जाते हैं, थैट थैट, और फिर उसके बाद ये बाबा, काका, आई आई, और जब बहुत गुस्सा चढ़ेगा तो बोलेगा आई अली, और आई अली है, अली के बहुत नाम है जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ, आई अली, बाबा, काका, और कभी कभी पापा भी बोलते हैं जो कि मुझे बहुत चिड़चिड़ती है। मैं बोलती हूँ पापा नहीं बोलना बेटा, बाकी सब बोलो, आई अली बाबा सब बोलो, पापा ना बोलो, इतना अजीब लगता है ना पापा। तो सरप्राइज़ हैदर के लिए ये है कि हैदर का कोई फेवरेट आ रहा है और मैं आप लोगों को हैदर का रिएक्शन दिखाऊँगी कि हैदर का रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि मैं तो डेली बेसिस पे देखती हूँ वो रिएक्शन। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ भी ब्लॉग में वो रिएक्शन शेयर करूँगी कि हैदर की एक्साइटमेंट कैसी होती है। चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि अब टाइम है मैं अपने बेटे को पहले देखूँ फिर मैं कुछ करूँगी। तो बस अब मैं इसको खाना खिला के फिर आप लोग से मिलती हूँ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद छुट्टी सी। दे दो हाई फाई, मामा हाई फाई, हाई फाई। दैदू भी मूड में नहीं है, अभी दैदू का फेवरेट लगा हुआ है। हाई फाई,
hand say with other hand with this hand assalamu alaikum clap your hands clap your hands clap your hands high five high five oh high five proper high five do na भाई आजकल बच्चों के भी मूड होते हैं वैसे जब भी इसका दिल होगा ये क्लैपिंग कर रहा होगा बेवजह बेवजह के आके मेरे आगे हाथ बढ़ाएगा कि मुझसे सलाम लो मेरे साथ हाई फाई करो लेकिन जब मैं बोलूँगी ना कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो चलो हैदर सलाम अलैकुम करो हाई फाई करो ना बस फिर तो ऐसे होता है जैसे कुछ भी नहीं करना दुनिया में और ये मेरे बेटे की चेहरे की रौनक और ये देखें क्योंकि ये आंटी इसकी आ गई है फेवरेट वाली दैदू कौन है ये क्लैपिंग कर लो अब तो सब निकलेगा दैदू का दैदू कौन है ये कौन है ओए होए होए दैदू तो हैदर को सर्दी लग रही थी क्योंकि मैंने इसको शावर भी दिलवाया था और कराची में लिटरली सर्दी हो गई है अब शुरू मतलब ठंडा मौसम शुरू हो गया तो मैं इसको अच्छे से कवर करके रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि इसको सर्दी ना लग जाए इसको ऑलरेडी फ्लू है और अभी इसको इंशाल्लाह कल फ्लू की वैक्सीन भी लगेगी क्योंकि इसका फ्लू इतना एक्सट्रीम होता जा रहा है जा ही नहीं रहा है मतलब हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको फ्लू रह रहा है और मैं कितनी मेडिसिन इसको दूंगी छोटा है बच्चों के लिए मेडिसिन ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है और मैं खुद मेडिसिन से बहुत भागती हूँ लेकिन अब बस ये है कि इसको वैक्सीन लगेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा तो दैदू को खाना खिला दिया मैंने और मैंने सोचा कि मैं फटाफट खोल लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे खोलने में बहुत टाइम लग जाता है और दैदू को भी पीछे देखना होता है तो खैर मैंने खोल दिए अब मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी और खा के भी बताऊंगी किसका टेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसको ऐसे असेंबल कर लिया है अब मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी क्या है ये गोवा है ये मैंगो चिली है ये फालसा है ये पीच है और ये मेरा बेटा खुश हो रहा है और ये मैंगो चिली स्लाइसेस हैं मैंगो स्पाइसी स्लाइसेस सॉरी तो मैं सबसे पहले ट्राई दूँगी पीच नहीं सॉरी ये क्या है गुआवा मुझे खुद नहीं याद है मैंने क्या डाला था लेकिन इट्स गुआवा इट्स वेरी यमी आई लाइक इट एंड जो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं इट टेस्ट सो नाइस और ये नेचुरल है नो आर्टिफिशियल कलर नो आर्टिफिशियल फ्लेवर ये उन्होंने फ्रूट्स को ड्राई करके कुछ बनाया है ड्राइड फ्रूटी बाइट्स एंड इट्स वेरी यमी और अब मैं टेस्ट करूंगी मैंगो चिली बाइट इट्स नॉट इवन स्पाइसी पर मज़े की है सबसे अच्छी बात है इट्स सॉफ्ट और बहुत यमी है एंड इट्स नेचुरल जब आप उसको च्यू करते हो वो एक नेचुरल जो फ्लेवर आता है उफ और अब हम ट्राई करेंगे अली का फेवरेट फालसा लेट्स सी फालसा का टेस्ट कैसा है बाकी 2 टेस्ट मुझे बहुत पसंद आए फालसा खा के देखते हैं इट्स सावर इट्स यमी स्वीट एंड सावर मिक्स है लेकिन इट्स वेरी यमी बल्कि आई लाइक फालसा इट्स वेरी यमी क्योंकि मेरे टाइप का कुछ सावर है मज़ा आ गया खा के और अब मैं टेस्ट करूँगी पीच वैसे तो पीच मेरा फेवरेट होता है लेकिन देखते हैं ये वाला कैसा है लाजवाब इतना यमी और अब मैं टेस्ट करने जा रही हूँ साथ साथ मैं पीछे अपने बच्चे को भी देख रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ नई खुचड़ाई की जगह मिल जाती है खैर अब मैं ये स्पाइसी मैंगो स्लाइसेस स्लाइस खाने लगी हूँ इट्स यमी आई लाइक इट इट्स यमी और मैं अब आप लोगों को बताऊंगी इसमें से सबसे यमी कौन से मुझे लगे और जस्ट ओके कौन से लगे तो गुआवा वाला वॉज 8 out of 10 और मैंगो चिली वॉज 7 out of 10 एंड फालसा वॉज लाइक 10 out of 10 और पीच भी 10 out of 10 मैंगो स्लाइसेस आई विल गिव 6 out of 10 बिकॉज ये च्यू करने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी इट्स बिट हार्ड लेकिन ऑल ओवर इट्स यमी और हर बंदे के टेस्ट के अकॉर्डिंग है ना शायद जो चीज़ें इनमें से मुझे पसंद आई हैं वो किसी और को ना आए और जो उन्हें पसंद आए वो मुझे ना आए लेकिन अगर आप जो भी ऑर्डर करना चाहें आप करें नेचुरल हैं नो आर्टिफिशियल फ्लेवर नो आर्टिफिशियल कलर बिल्कुल नेचुरल हैं टोटली एंड आई रियली लव्ड इट नाउ इट्स टाइम टू पुट देम बैक क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं रख सकती
सारे सारा पैक करके रख दिए ताकि अली भी आके टेस्ट करें और इसी से हम खाएं, इसी में रखें। तो मेरे बालों का कुछ टाइम बाद ऐसे हाल हो जाता है, मैं बड़ी शौक से खोलती हूँ, स्टाइल बनाती हूँ, लेकिन फिर मैं इस तरह बांध लेती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को मेरा कोई स्टाइल रास नहीं आता। मतलब वो बहुत खुश होता है हैदर मुझे देख के, हैदर को ऐसे एक्साइटमेंट होती है कि पता नहीं मैं तैयार हो रही हूँ तो कहाँ जा रही हूँ, लेकिन बस उसके बाद उसको उलझन चढ़ने लग जाती है कि बाल बांधो। तो सरप्राइज़ ये था कि अली थोड़ी देर के लिए घर आ रहे थे, नहीं तो अली सुबह जाते हैं 10 बजे और रात को 10-11 बजे आते हैं, और हैदर सारा दिन अली के लिए तड़पता रहता है क्योंकि 11 महीने अली उसके साथ रहा है। लाइक अली जाता था तो थोड़ी देर के लिए और फिर आ जाता था, और अब अली को कंटिन्यूसली जाना पड़ा इतना लंबे टाइम के लिए, तो हैदर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन वही बात हुई, अली को कोई काम आ गया था तो अली नहीं आ पाए, लेकिन रिएक्शन आप लोगों को फिर भी देखने को मिलेगा क्योंकि अली बस थोड़ी देर तक अभी घर आने वाले हैं और इसका रिएक्शन देखने वाला होता है। ये अली को देख के मतलब हंसता या खुश नहीं होता, ये रोने लग जाता है, और इसकी आदत ही सेम मेरे पे क्योंकि मुझे सिर्फ धुंधला धुंधला याद है। हम लोग पहले पाकिस्तान आ गए थे और बाबा बाद में आए ना, तो मैं अपने बाबा का चेहरा पकड़ के रोने लग गई और मैं बोलने लगी आप मुझे अब छोड़ के तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये दुनिया की रीत है। एक टाइम आया बाबा मुझे बोलते थे अब आप जाओगी तो नहीं, बेटे आप चली जाओगी तो मैं क्या करूँगा, मुझे बोलते बोलते मुझे खुद छोड़ के चले गए, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से। इंसान इस चीज़ को कितना अपनी आखिरी सांस तक भी रो ले, ऑफकोर्स कभी भी नहीं अभी ये चीज़ पूरी हो सकती। मेरे बाबा की जो याद है वो मेरे साथ इस तरह है कि मेरी हर सांस में वो याद है, हर सेकंड में उनका चेहरा मेरी आंखों के आगे आता है, मेरी ख्वाब में वो आते हैं। सबसे मुझे एक सुकून दे चीज़ पता है क्या होती है, सुकून दे भी होती है और नहीं भी होती, वो मेरी ख्वाब में आते हैं। तो मेरी ख्वाब में जब वो आते हैं ना मुझे बड़ी अच्छी हालत में वो नज़र आते हैं, मतलब मुझे उनके बारे में बहुत अच्छी ख्वाबें आती हैं। तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि मेरे बाबा बहुत अच्छी जगह पे हैं, लेकिन फिर जब मैं उठती हूँ तो मेरे दिल को बहुत अजीब होता है, मैं कहती हूँ मुझे कभी नज़र नहीं आएंगे, कभी आवाज़ नहीं सुनने को मिलेगी। फिर मैं उनकी आवाज़ को याद करती हूँ, किसी रिकॉर्डिंग वीडियो में उनकी आवाज़ सुनती हूँ, और फिर बस मैं मेरा ऐसे दिल तड़पता है, फिर मैं कहती हूँ या अल्लाह क्या रीत है तेरी। हर इंसान ने एक दिन जाना है, लेकिन माँ बाप एक ऐसा रिश्ता होता है कि आप तड़प जाते हो, आप जितना मर्जी तड़प लो, जो मर्जी कर लो, वो वापस नहीं आता रिश्ता। तो मेरा दिल इस चीज़ के लिए कभी कभी बहुत होता है, कभी कभी मैं बहुत इमोशनल भी इस चीज़ से हो जाती हूँ। ऑफकोर्स हर किसी ने जाना है, सब पे एक टाइम आना है, लेकिन मैं बहुत अपने बाबा को मिस करती हूँ, मैं इतना एक्सट्रीम वाला उन्हें मिस करती हूँ कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। मेरा दिल ऐसे तड़प के उनके लिए हाथ में आता है, मैं जब उनकी आवाज़ सुनती हूँ या मैं उनकी आवाज़ बैठे बैठे सोचती हूँ कि बाबा की आवाज़ ऐसी थी, तो मेरा दिल ऐसे फटने लग जाता है कि कहीं से मुझे मेरे बाबा की आवाज़ सुनने को मिल जाए और मैं उनको गले लगा लूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता जब कोई अपना चले जाता है, आप अपनी आखिरी सांस तक उसके लिए तड़पते हो। ऐसी याद होती है अपनों की, स्पेशली माँ बाप की, माँ बाप में से कोई एक भी चला जाए। फिर अभी मैं थोड़े सा ब्रेक लूँगी क्योंकि एक तो मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ और मुझे रोना आ रहा है और मैं फूट के रोने वाली हूँ, दूसरा हैदर सो रहा है और मैंने लाइट ऑन की हुई है, मैंने बहुत मुश्किलों से हैदर को सुलाया, हैदर ना उठ जाए। जैसे ही अली आएगा मैं ब्लॉग दोबारा स्टार्ट करूँगी। बाय द वे आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया, अली बाहर से ही कुछ लेके आएंगे। और मेरा बेड बहुत कबाड़ा हुआ पड़ा हुआ है और मैंने फिर नीचे की सेटिंग भी बहुत अजीब लगाई हुई है सिर्फ हैदर की खातिर, और सून हैदर का बेड आ जाएगा फिर ये अपनी जगह पे आ जाएगा जो कि यहाँ पर था, लेकिन अभी हैदर की खातिर मुझे इसी तरह रखना पड़े। इस कबाड़े खाने को मत देखिए, यहाँ पे हैदर सो रहे हैं और हैदर सिर्फ यहाँ पे सोता नहीं है, हैदर रात को उठता है प्रॉपर, वो देखता है अली कहाँ है मैं कहाँ, पहले आधी रात को अली के पास जाके घुस जाता है, फिर देखता है मम्मा किधर है और मम्मा मम्मा बोलते मेरे अंदर घुस जाता है, और फिर अपनी तरफ टर्न करवाने के लिए वो इस तरह करता है, सर मारता है पीछे, कमर पे मारेगा, कभी कहीं मारेगा कि मेरी तरफ टर्न होके सो, और जैसे ही आप टर्न हो जाएंगे हैदर सुकून से सो जाएगा। तो हैदर सारी रात बेड पे घूमता है, कभी अली के पास तो कभी मेरे पास।
और ये वो मोमेंट है जब अली घर आ गए और अभी आपको हैदर के रोने के बाद शायद आ रही हो, क्योंकि मैं डोर ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखाना चाहती हूँ। देतू कौन आए है? देतू? और सबने वॉकर की जान छोड़ दी, मेरे बेटे ने अभी तक वॉकर की जान नहीं छोड़ी। आओ 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 आओ, देखें कौन आया है। आपने दरवाजा अंदर ऐसे किया ना डोर को, तब से ही रोने लग गया। कौन आ गया? कोई खुशी नहीं है, सिर्फ रोना है, सुकून है। वो आंखें देखो आंसुओं से भरी हुई है। कौन आया? मामा, काका आ गया। तो मैं करूंगी व्लॉग को एंड, और हैदर का ध्यान अपने बाबा पे ही है कि उसके बाबा कहीं चले ना जाए। और बस हमारे खाने का टाइम है अब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दिन किसी और व्लॉग में। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉगिंग की, लेकिन बस मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश करूँगी डेली व्लॉगिंग की। मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। सब अपना ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़। और ये मैंने कुछ चिकन के पीसेस फ्राई किए थे, जो कि मैंने सोचा नहीं अली पूरी बोटी इसको पकड़ाओ देखो क्या करेगा, जिससे पहले कर रहा था। वैसे चॉकलेट हैदर के मुंह में डाली जाए तो हैदर कभी नहीं खाता, और अभी इतना बड़ा मुंह खोल रहा है, और ये इतनी स्पाइसी बोटी है, और इसको इतना मज़ा आ रहा है खाने का। वैसे इसका मुंह नहीं खुलता खाने के टाइम पे, और वैसे कुछ मीठा खिला दो तो ये वॉमिट करता है। इतनी स्पाइसी बोटी है और इतना बड़ा ये मुँह खोल रहा है कि मेरे मुँह में डाल दो सब। मतलब इसे इतनी मिर्चें पसंद है, और इसकी उम्र देखिए सिर्फ 11 महीने है ये।